सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहतर समझो, मैं आपका होस्ट इमरान अहमद। दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और ये चित्तौड़गढ़ बांध है जो कि ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता, हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर। ये आज के दिन ये मेला लगता है, इसे नहान मेला बोला जाता है। काफ़ी लोग इस हमारे पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो अभी ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे। उससे पहले ये जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मेला कहाँ पे लगता है, मेला जो है ये एक नाला है, इसी नाले में मेला लगता है और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आती हैं इस मेले में, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ये मेले में आने वाले लोग हैं, इसी रास्ते से आते हैं, ये पश्चिम साइड से आ रहे हैं और कुछ लोग उधर के साइड में नहा भी रहे हैं, लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता इसलिए कि पानी भरा हुआ है। दोस्तों, तो जो दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये सुबह का 11 बज रहा है और ये लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी भीड़ बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती इसलिए भीड़ ज़्यादा होती कि ये एक ही दिन का मेला होता है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं मेला देखने के लिए। सुबह का 11 बज रहा है और कुछ लोग ये वापस भी जा रहे हैं मेला देखकर, क्योंकि इसके बगल में नज़दीकी गांव है, बहुत से गांव हैं, कई गांव के लोग आते हैं मेला देखने के लिए। तो अभी जो दूर के लोग हैं वो धीरे धीरे मेला देखने के लिए आ रहे हैं। तो चल रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये मेले का पहला दुकान है जो कि ये सिंगाड़ा भुना जा रहा है, अभी इसकी बिक्री की जाएगी, ये 30 रुपया किलो। इस मेला में काफ़ी सस्ता सिंगाड़ा मिलता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा तादाद में सिंगाड़े की ही दुकान आती है इस मेले में। आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सब लाइन से दुकानें लगी हुई है, कोई मूँगफली की दुकानें तो कहीं पे पेठे की दुकानें, और ये बालू आप लोगों को दिखाई ही दे रहा होगा। ये नाले में मेला लगता है और जस्ट ऊपर जंगल है, तो नाले और जंगल दोनों मिलाकर, दोनों जगहों पर मिलाकर मेला लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा दुकानें आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मूँगफली की भी दुकानें हैं, ठेले पे लगाया गया है, और यहाँ पर आपको नल नहीं मिल सकता है दोस्तों, इसलिए कि ये नाले में नल कहाँ से मिल पाएगा आप लोगों को, और यहाँ पर पानी को आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। 5 रुपये में 2 पाउच मिलेगा पानी, यहाँ पर बेचा जा रहा है। और ये हमारे एक भाई हैं जो कि ये पिपहरी ले रहे थे लेकिन पसंद नहीं आया, अब आके आगे निकल रहे हैं। और ये शरबत की भी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेठे की दुकानें हैं, काफ़ी अच्छी पेठा बिक रही है यहाँ पर, जलेबी की दुकानें हैं, मूँगफली की दुकानें हैं, पानी की दुकानें हैं, केला भी मिल जाएगा आपको सस्ते में 20 रुपया किलो। यहाँ पर मूली, धनिया, मिर्चा जो कुछ है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बिक रही है। ज़्यादातर इस मेले में खाने और पीने वाली ही सामान मिल रहा है आप लोगों को, ये बच्चों को खेलने के लिए खिलौना भी बिक रहा है। काफ़ी भीड़ होती है, अभी ये 11 बजे का समय चल रहा है और देखा जाए तो एक हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी। और इधर के साइड में ये मेकअप की सामानें भी मिल रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़ा भी मिल रहा है और बच्चों के लिए बैट बॉल दस्ती जो कुछ है यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, जो इसी ऊपर जंगल वाले रास्ते पर लगा हुआ है, जस्ट ये नाले से जस्ट सटा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू है, इसलिए अच्छा व्यू है दोस्तों कि ये जंगल में मिला कर लगता है, जंगल और नाले में मिला के लगता है, काफ़ी हरा भरा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में कई गांव के लोग आते हैं मेला देखने के लिए, इसलिए आते हैं कि साल में एक बार लगता है नहान मेला, और लगभग भारतवर्ष में बहुत से जगहों पर ये मेला लगता है नहान मेला। फिलहाल हमारे ये चित्तौड़गढ़ बांध के जस्ट बगल में लगा हुआ है, इसलिए इसे चित्तौड़गढ़ मेला बोला जाता है और नहान मेला भी कहा जाता है। तो देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, यहाँ पर हलवा पराठे की दुकान आई है, प्रशासन के लोग भी आए हैं इस मेले में देखने के लिए कि कोई मेले में घटना ना होने पाए। और यहाँ पर ये सेब की भी दुकानें हैं जो कि थोक भाव यहाँ पर सेब मिल रहा है 40 रुपया किलो, काफ़ी अच्छा सेब। केला भी मिल रहा है, केला की भी दुकान है, देख रहे हैं आप। फिर आप देख सकते हैं ये सिंगाड़ा, मूली, बैंगन की दुकानें हैं, जो जहाँ
जगह पाया है थोड़ा सा, वहीं पर ये दुकान लगा लिया है। यहाँ पर ये मच्छी की दुकान है, यहाँ पर मीट की काफी फेमस दुकान है इस मेले का। और इस मैं लाइन में चल रहा हूँ आगे, अब सब्जी के तरफ चल रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि गोभी यहाँ पर काफ़ी सस्ता है, बैंगन है, मिर्चा है, आलू है, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें आई हैं ये पिकअप से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ भी लगा हुआ है। तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।